Hey guys, welcome back to Kitto Vlogs YouTube चैनल। तो हम वंदना दी के घर आ गए, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे किटो जैसल के YouTube चैनल पे कल के ब्लॉग में, छोड़े कल का ब्लॉग जो भी हुआ हुआ। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, सब लोग नहा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे खाना वंदना दी ने बनाया है, बोल रही थी क्या बनाऊँ। मैं बोली लौकी का सब्जी बना दो, क्योंकि लौकी ना मैं भी काफ़ी दिन से वहाँ पे लेकर रखी थी, तो मैंने बोला लौकी जो मैंने वही लौकी की सब्जी बना दो और रोटी बना दो। बाकी सब लोग नहा धो लिए, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। यहाँ पे दाल रोटी सब्जी, थोड़ा सा मैंने चावल लिया है, उसके बाद मैंने दाल गर्म कर रही हूँ, खाना खा लेते हैं। यहाँ पे सब लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ सब खाना खा रहे हैं, तो मैं चलती हूँ अपने लिए खा लेती हूँ। मतलब मैं भी निकाल ही ली हूँ अपने लिए, फिर मैं थोड़ा दाल गर्म कर रही थी, दाल गर्म करके फिर खा रही। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों से मिलते हैं। और आप लोग बहुत ज़्यादा, अरे क्यों इतना कल के वाले ब्लॉग में इतना ज़्यादा कमेंट किए, इतना कमेंट किए, तो जो समझते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और ये किचन हम जब देखते हैं तो मुझे इतनी याद आती है इस किचन की। मैं तो जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे इस किचन की और ये रूम का बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा अटैचपन हो गया है, इतना ज़्यादा है ना कि हम आप लोग से क्या ही बताऊँ। बस सोचती हूँ वो सब चीज़ें तो बस आँख नम हो जाती है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। और यहाँ पर पता नहीं कैसा धूप है करने के, लेकिन हम लोग के साइड ना मौसम इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैंने वंदना दी से बोला कि ना एक पैकेट साबूदाना है और साबूदाना मंगा लो, तो मैं शाम को ना वो बनाऊंगी, साबूदाना की टिक्की बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। डिनर मेरा दही दाल रोटी थोड़ी सी चावल और लौकी की सब्जी। ये तुमको जब बना है तो क्यों खाती हो? इसीलिए कोई परहेज नहीं, सही बात है। और यहाँ पे कथा चालू है तो हम भी खा लेते हैं, मेरा बेटा सो गया है, उसको हम देते रुक जाओ कुछ उठाने के लिए। हाँ लेकर आते हैं चादर कहाँ? हाँ यह है तो बाबू का, मैं ड्राई सीट भी लेकर आई थी तो गिर ना जाए, यहाँ रख देते हैं, उढ़ा देते हैं, लो उढ़ा दो इसको। खा लिया है और मैंने सोचा चलो वंदना दी ने खाना बना लिया, तो मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह फटाफट साफ कर लेती हूँ, क्योंकि तो सुबह से झाड़ू पोछा ये सब किए, तो हम थोड़ा बर्तन साफ कर लेते फिर आप लोग से कुछ देर में मिलते हैं। तो हमने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया, बस फ़र्श भी साफ़ कर दिया, बस बाहर का रह गया, तो अब वंदना दी अपने हिसाब से करेंगी। बाकी सब बर्तन वगैरह जो खाना बचा था उसको खलिया दिया है, ठीक है। अब सुना अच्छी यहाँ की मस्ती कर रही है, अब मैं चलती हूँ गर्म पानी पी लेती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ, फर्श साफ कर लो, जमीन का। अभी पागल हो क्या, खाना खा के तुरंत साफ करना चाहिए? अंदर का भी साफ करना, नीचे इधर करना है, मशीन लगाओ तो कपड़ा धोबो आज। सब दुख काटो हमारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। एंकर देखा भक्ति
सो जाओ सुबह 6 बजे उठी रहो, चलो पहले से लेके खिला के सो जाओ। हमने अपने कर्म के ये आता है, इसका मन यहाँ लगता है ना, इसका बहुत मन लगता है, इसको पता है ना ये मेरा असली घर है, गाजियाबाद में नकली घर है ना बाबू, वहाँ नकली सब कुछ है। बेटू इधर देखो, इधर देखो, वीडियो तुरंत बेटू तुरंत झाकेगा ताकेगा। मम्मा मम्मा बेटू आप यही रहोगे क्या, आप यही रहोगे? कहते हाँ, मुझे शीशा में पैक करके रखी रहती हो। यहाँ तो है कम से कम बाहर का हवा पानी तो लग रहा है। चलो अब हम लोग भी यहीं रहेंगे, अब वो घर छोड़ देते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं। और फिर तुम्हारा घर रेंट पे, ओए ओए। नए घर को रेंट पे, हम आ गए अपने पुराने घर पे हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए। नहीं बेटू तभी देखो बैग लेकर आए हैं। तू जहाँ जाओ बैग लेके जाओगे, आ जाओ बाबू रहने के लिए, आ जाओ। वंदना जी कल बोल भी रही थी ना, आज सुबह बोल रही थी ना, आ जाओ बोले थे उसको रेंट पे दे दो अपना, आ जाओ यहाँ रहने के लिए। और क्या, आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी शाम को चलना है मार्केट, चलो भी चलिए फटाफट काम कर लिया यार, सूजी कपड़ा धो लिया लेकिन कल बीमार हो जाए। वो वाला मशीन ले लो। कौन सा? वो सबसे सही रहा, तुम्हारा पानी भी नहीं गिरता है फालतू। हाँ तो उसमें जानती है पानी आएगा तभी हम कपड़ा भी धो सकते हैं। कितना टाइम लगेगा इससे, तुम्हारा दो तीन घंटा नहीं लग जाता है कपड़ा धोने में? अब ये खराब हो जाए, अभी जान तो पूरा 1100 का प्लेट लगवाए अंदर मशीन के अंदर, जो गोला से नहीं लगते गोल का, जो बर्फ खोल देते वो लगवाए 1100 रुपया लगाओ। माँ हमेशा खराब है, अब खराब है ना, अब सीधे बेच के अरे ले ले बाबा, छोटा वाला ही ले ला। लेकिन अखे अलमारी देखे ना गजब को यार, बहुत सुंदर बाटे, बहुत सुंदर अलमारी। कैसे देखा था, देखा था आशीर्वाद दे, अलमारी खरीद ली आवा था तब तो बाद कुछ न कुछ ले ले तू। ऐसा दे दो बाबा, ऐसे आशीर्वाद दे दो भर भर के, जैसे तू पेटे में आया इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार करवाई दिया, ऐसे हम आओ के भर भर के आशीर्वाद दे दो, भर भर के, भर भर के दे आशीर्वाद, भर भर के। फिर देखा था नहीं। जब कहा तब ना देखी है। ए हमा लड्डू भैया, ए हमा कुड्डू भैया, बस खाली जमीन साफ करे एक बार ना, हुई जाए सफाई। वहां तो एक बार साफ करे तो फिर दोबारा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ते, कुछ भी गंदगी तक ना रहते, बस किचन साफ करे तो जब खाना बनाई थे। ए हमा गुड्डू भैया, ए आई गए आपको थोड़ा सा बहुत दिन बाद आपके शाम का माहौल दिखाते हैं। खिलाते हैं इसको, बाबू कपड़ा डालना है, धुले थे, धूप है, मुझे लगा कि धूप नहीं है। पहले हमारी स्कूटी यहाँ खड़ी होती थी, ये हमारा अड्डा था। आय मैया हमारी कार का, ये देखो कार का क्या दशा हुआ है, कार का क्या दशा हुआ है, कितना सब कुछ क्या क्या गिरा है। हाँ कैसा लग रहा है, ये ब्लैक वाला मार्शल तो आ गया आज, तब कौन सा नहीं था। अच्छा अरे बाबू का कपड़ा भी डाल देते हो लेकर के, मशीन के अंदर डालती सुखाई कर रहा है, नहीं कब का डाल ले पकड़ो। तो यहाँ बाबू बड़ा चटर पटर देख रहे ना, उजाला उजाला पे, 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 लेकिन सूख जाए जल्दी ना बाती बा। तो डाल देते हैं बाबू ना, डाल दो ऐसे सूखा उतार देना, अभी डाल देते हैं। तो यहाँ कपड़ा वपड़ा फैला रही हैं, चलिए बने रहिए गाइस, हम इसका धुल देते हैं मशीन। तो दोस्तों कपड़े वगैरह डाल दिए, अभी मैंने बाल नहीं झाड़ा तो मैं ये रोने लगे थे बाबू मेरे, तो इनको मैं दूध पिला रही हूँ, ये दूध पी लेंगे तो फिर इनको थोड़ा सा इनका फेस क्लीन कर देंगे, सो के उठे हुए थे, मिज्जू मिज्जू नहीं करेंगे, रात में मिज्जू करेंगे। और पहले से ये चेंज लग रहा है ना घर, बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है, डेंट पेंट सेम जैसे तू लाती थी सजाए के वैसे सजा दूंगा, वही बैकग्राउंड ही है तो करेंगे क्या। हाँ ये पर्दे अच्छा, ये पर्दे तुम्हें तो दे दी,
अच्छा हाँ ये वाला है ना, एक और है, तीन देकर गई, एक सिंगल है जो ऊपर दरवाजा का है और एक मैरून कलर में, इसका बड़ा भी होगा ना, बड़ा नहीं है, बड़ा है। अच्छा वो तो सास को दे दिए थे ना जब जा रही थी, उनको भिजवा दिए थे पर्दे वगैरह सब, पर्दे बड़ा सुंदर सुंदर मिल रहा था, लेकिन चलो जो दिवाली पे सब करो, दिवाली आना, दिवाली पे मेरे घर चलेंगे, वैसे तो हम यही रहने वाले हैं ना, फिर यहाँ से करके तब जाएंगे अपने घर। तो गाइस कौन कौन हमें वंदना दी के साथ रहना देखना चाहते हैं, सुबह वाले की साथ में ही आप लोग अच्छे लगते हो, अब कैसे अब साथ में रह ले लिए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि चलो उसको रेंट पे दे देते हैं और यहाँ पे रह लेते हैं, ऐसा करो तुम यही रहो, सब हम चारों भाग ले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाबू कोई बात नहीं, वहाँ आते तुम लोग यही रहो, ठीक है सोनाक्षी स्कूल में जाने से, अब हम वहाँ कले करेंगे क्या बहनी, वहाँ तो और भी डर लगेगा, नहीं डर तो नहीं लगता, डर तो मुझे 1% नहीं लगता है, क्योंकि इतना वहाँ पे डर सेफ्टी है कि डर नहीं लगता है, चली जा फ्लैट में नीचे उतरने का मन नहीं करता, बाकी ये हाँ बस यही चीज़ की नीचे उतरने का मन नहीं करता है, बस ऐसे क्यों जाएं। तो कौन कौन हमको देखना चाहता है इनके साथ, और क्या आप लोग चाहते हो कि मैं अपना नया घर रेंट पे दे दूँ? जो भी रहेगा अपने दिल की बात आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अभी हम जाएंगे मार्केट कुछ अभी अविका के लिए जो उसका बर्थडे है ना, तो बार बार वहाँ पे तो मैं निकल नहीं पाऊँगी, तो यहाँ पे मुझे उसके लिए कुछ पहले से, अब ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया है, हाँ 21 तारीख को हम लोग का ट्रेन है, ऐसे रखते हैं बता देते हैं, 21 को ट्रेन है, तो कुछ सामान वगैरह खरीदना भी है मेरा ना, जो कॉम्पैक्ट पाउडर भी ख़त्म हो गया है तो उसको भी लेना है, अरे सॉरी यार ये तो दूध पी रहा था, ध्यान ही नहीं दिए, बहुत सारी चीज़ थोड़ी बहुत सामान खरीदनी, वैसे तो हमको मेकअप का सामान बहुत ढेर सारा आया है, तो वो सब चीज़ें नहीं खरीदेंगे, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हम आज जाएंगे मार्केट से लेंगे, और क्या तैयारी कर रही हो, लेकिन ये रुद्राभिषेक वाला भी जाना सामान खरीदेगा, रुद्राभिषेक वाला सामान वहाँ सारा सामान मिल जाता है, बस कहे तो हमको मैसेज कर देना, अरे पूरा हर जगह छाड़ लेना। और गाइज मुझे ना अपने, हम आप लोग को बता दे रहे हैं, वहाँ से आने के बाद मेरे बाबू का नामकरण हमने कल अपना लिस्ट वगैरह सब कुछ बना लिया है, बाबू का नामकरण हम बाबू के 10 तारीख से पहले, मतलब सावन के पहले, सावन ख़त्म होने से पहले ही करेंगे, तो आप लोग देखिएगा, बहुत खूब सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट से बताना, और गाइज मैं अविका के बर्थडे पे क्या पहनूँ ये भी कमेंट कर देना, ये ब्लॉग तो भी डाल देंगे, कमेंट करके फटाफट बताना कि मैं उसके बर्थडे पे क्या पहनूँ, मैं जा करके तुरंत आज मार्केट से खरीद भी लूँ और वो चीज़ फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक है बाय बाय।